ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰਲਾਲ ਭਾਅ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਹਰਲਾਲ ਗੁਜ਼ਰ, ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਿਤਨਾ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਬਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੈਂ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਹੋਤਾ 350 to 400 ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡੋਲਰ। ਓਕੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ? ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਅਪ੍ਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20,000 ਰੁਪੀਸ ਖਰਚ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਬਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਮੰਥਲੀ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕਾ ਮੰਥਲੀ ਖਰਚਾ ਹੋਤਾ ਹੈ $150। $150 $150 में आप टिफिन मंगवा सकते हो। ओके, ठीक है। वो तो टिफिन का खर्चा होता है, वो भाई जो अपने आप बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, उनका भी $100 to $150 तक खर्चा हो जाता है। ओके, सेम ही रहता है, मतलब भाई सिंगापुर में हम टिफिन भी लगा सकते हैं, उसका मतलब एक्सपेंसिव 150 होता है। वो हम मतलब मंथली पे करना होता है, वो हमें मंथली 2 times का खाना आता रहता है। और हमने जो खाना बनाते हैं घर पे, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। और हाँ, $100 to $150 हो जाता है, क्योंकि अपन जो सामान राशन भी लेके आते हैं, फिर अपने को बनाना ही पड़ता, टाइम भी वेस्ट होता है, सब कुछ होता है। तो $100 to $150 तक अपना यहाँ पर हो जाता है। भाई सिंगापुर में स्टूडेंट का ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आ जाता है मंथली का बताना भाई? सिंगापुर में ट्रांसपोर्ट का मंथली खर्चा होता है $150 के लमसम होता है। okay. क्योंकि इसमें अपने को कॉलेज जाना पड़ता है, फिर कॉलेज जाने के बाद में अपन कभी कभार घूमने के लिए भी निकल जाते हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर MRT और बसें चलती है, उसका खर्चा होता है $100 to $150। $100 to $150 मतलब भाई डेली का हम सोच के चले $3-4 $5 तक खर्चा, $5 तक का डेली का खर्चा होता है, आ जाता है। अब भाई, अब हमने सब कुछ डिटेल में सभी को बता दिया, और अब टोटली खर्चा बता दो मंथली कितना आ जाता है सिंगापुर डॉलर के हिसाब से? सिंगापुर डॉलर के हिसाब से मंथली खर्चा होता है $600 to $700 आपका खर्चा होता है। इंडियन करेंसी के हिसाब से? इंडियन करेंसी के हिसाब से 35,000 to 40,000 रुपये आपका यहाँ पर सिंगापुर में एक स्टूडेंट का मंथली खर्चा होता है। ओके, लो भाई सिंगापुर च अपने जिहड़े भी एक्सपेंसिव आ तुहानू असीं इस वीडियो विच दस्सते आ। जे कोई भी इनफॉर्मेशन लैणी होवे वीडियो ते कमेंट करके दसना भाई, फिर असीं तुहानू उस टॉपिक ते वीडियो बना के दस सकदे आ। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जरूर कमेंट करें। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय दोस्तों।